मृत्युंजय जी। सर इसके बाद बात करते हैं बिहार की तरफ। बिहार के अररिया में एक हाजत में जीजा के साथ सुसाइड, भीड़ ने थाना फूका, फायरिंग में दो घायल हो गए, नाबालिग लड़की के साथ पकड़ा गया। क्या पूरा मामला है ये कि उत्तर प्रदेश के बाद बिहार भी एक ऐसा राज्य है जहां क्राइम जो है वो चरम पर है, कई मामले सामने आते हैं जी। देखिए ये अररिया का मामला है, बिहार का एक ज़िला है अररिया, वहां का ये मामला है। एक शख्स जिसका नाम मिट्ठू सिंह बताया जा रहा है, उसका अफेयर था अपनी 14 साल की साली के साथ में, नाबालिग बच्ची 14 साल की, उसको क्या ही समझ होती है, उसको क्या ही तमाम चीज़ें समझ में आती हैं। और दो दिन पहले ही दोनों ने शादी कर ली थी। परिजनों ने पुलिस को शिकायत की तो पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया, दोनों को थाने में रख लिया, हाजत मतलब हवालात। तो और यहाँ पर जो ये मतलब सलाखों के पीछे था मिट्ठू सिंह, और उसने अपनी साली को जो थाने में मौजूद थी उसे अपने पास बुलाया, और बुलाने के बाद कहा कि आत्महत्या करते हैं, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते और ये समाज हमें जीने नहीं देगा। मुझे लगता है ब्रेन वॉश किया उसका, और उसके बाद दोनों दुपट्टे से फंदा बनाकर वहीं पर थाने में उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब दो मौत हुई, इस मौत के बाद ग्रामीणों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, आखिर पुलिस वाले क्या कर रहे थे? अगर हवालात के भीतर आत्महत्या हो रही है वो भी डबल, तब पुलिस की भूमिका पर निसंदेह सवाल उठता है। वो भी सिर्फ कैदी नहीं, बाहर से आई हुई युवती भी। हाँ, और फंदे पे। बिल्कुल बाहर से नहीं, मतलब उसको भी, वो भी थाने में ही थी। अच्छा। लेकिन दो अगर वहाँ पर आत्महत्याएं होती हैं तो पुलिस के भूमिका पर सवाल उठता है कि पुलिस आखिर कर क्या रही थी। SDPO रामपुकार सिंह सहित कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन आक्रोशित ग्रामीण वहां पर प्रदर्शन करते रहे, पुलिसकर्मियों के ऊपर पथराव किया, थाने में आगजनी की, और पुलिस को वहां गोलियां चलानी पड़ी। और इस जो पुलिस की गोलीबारी थी इसमें भी दो लोगों को गोली लगी है, उनको घायल हुए हैं, और तीन लोगों को गोली लगी है, और इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब इन तीनों का तो इलाज चल रहा है, और ग्रामीणों का ये कहना है कि पुलिस की जो लापरवाही है इसकी वजह से ये जाने चली गई हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और यहाँ पे आप देखें, 1.5 साल पहले इनकी शादी हुई थी, मिट्ठू सिंह की 1.5 साल पहले शादी हुई थी, और पत्नी की छोटी बहन को इसने अपने जाल में फंसा लिया था। दोनों साथ रहने लगे थे, और जब ये बात पता चली तो पुलिस को इसकी जानकारी दी गई और पुलिस दोनों को थाने ले आई थी। मृत्युंजय, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।